हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेरे पिछले वीडियो में बताई थी न्यू पैच मेहंदी डिज़ाइंस, और इस वीडियो में भी मैं न्यू पैच मेहंदी डिज़ाइंस बनाने वाली हूँ। ये जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल है, जो बिगनर्स है वो आसानी से बना सकते हैं ये डिज़ाइन। ये बहुत न्यू डिज़ाइन है, अब आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है। मैंने मेरे सारे वीडियोस में बताती हूँ आपको पेन कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन से तरीके का पेन होना चाहिए, तो आपको वो पेन ध्यान रखना होगा। और जो बिगनर्स है वो पहले पेंसिल से ड्रॉ करें और फिर पेन से, ताकि उनका डिज़ाइन अच्छे से आए और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ, पर जो बिगनर्स है वो पेंसिल से ड्रॉ करे फर्स्ट और फिर पेन से। ये मैंने अभी पिकॉक बनाया है और साइड में मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितना सिंपल है। देखिए, अब फ्लावर्स हो गए। अब मैंने यहाँ पर और एक ये बनाया शेप, अब मैं नीचे वाला ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लीव्स बना रही हूँ। ये लीव्स भी बहुत सिंपल है बनाना, ऐसे हर एक लीफ का शेप परफेक्ट होना उतना ज़रूरी भी नहीं है, अलग अलग होगा तो भी चलेगा। अभी हमारा डिज़ाइन हो गया, अभी हम लोग अंदर फिलिंग करेंगे। यहाँ पर मैं और एक बना रही हूँ शेप। अभी ये जो है ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ अंदर हम लोग फिल करेंगे ताकि डिज़ाइन अच्छा दिखे। ऐसे सिर्फ मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ, बाहर नहीं कर रही हूँ। आपको डिज़ाइन को सिंपल रखना होगा, ज़्यादा मतलब डिज़ाइन भरो मत। अभी अब मैं आई बना रही हूँ। अभी फ्लावर्स को हम फिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम शेडिंग करेंगे उसमें लास्ट में। अभी लीव्स फिल करेंगे। मैं लीव्स के दोनों तरफ अलग अलग डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर अलग अलग अच्छा दिखेगा। देखिए ऐसे थ्री लीव्स को मैं सेम डिज़ाइन कर रही हूँ। लास्ट में बॉर्डर्स को डार्क करना है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था बॉर्डर्स को डार्क इसलिए करते हैं ताकि डिज़ाइन उठकर दिखे, अच्छे से दिखे।
अभी लीव्स हो गए हैं, मैं साइड और एक शेप का बना रही हूँ। अभी ये ऊपर वाला मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे सर्कल बना के फिर फाइव लाइंस बना रही हूँ। ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ मैं यहाँ पर भी सर्कल फिर फाइव लाइंस। अभी हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग करते वक्त भी पेंसिल को ज़्यादा मतलब दबाइएगा मत, लाइटली यूज़ करें पेंसिल को ताकि शेड अच्छे से आए। ज़्यादा दबाने से पूरा डार्क हो जाएगा, शेड अच्छे से नहीं आएगा। शेडिंग करते वक्त ज़्यादा मत दबाइए। शेडिंग हो गया, अब मैं हार्ट्स फिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ चिक्स बनाए, मैं दोनों को वही डिज़ाइन करने वाली हूँ यहाँ पर भी। ऐसे अभी हम बॉर्डर्स को डार्क करेंगे। ये बॉर्डर स्टार्ट हो गया। बॉर्डर्स डार्क करते वक्त भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो पूरा दब जाएगा। ये हो गया बॉर्डर्स डार्क, ये अब डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कितना सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है।
Thank you for watching my video. Please subscribe, like, comment and share. Thank you.